मुर्दाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। यमुनानगर के लघु सचिवालय में पहुंचे किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपने खेतों में टावर न लगाने की चेतावनी दी और कहा कि सरकार उन किसानों को चिन्हित करके उनके खेतों में टावर लगा रही है जिन्होंने किसान आंदोलन में भाग लिया था, और ऐसे में अगर उनके खेतों में टावर लगाए गए तो वे उन्ही टावरों पर चढ़कर आत्महत्या करेंगे। किसान एकता जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, धक्काशाही नहीं चलेगी, धक्काशाही नहीं चलेगी। आज हम रावण को लेकर आज यहाँ डीसी ऑफिस में इकट्ठे हुए, क्योंकि एक रावण वो था जो सीता माता को हर के लेके गया था और श्री राम जी ने उनका वध करके सीता माता को लेके आए थे। एक रावण वो है जो हमारे खेतों में सरकार द्वारा, यूं कह लीजिए पावर ग्रिड द्वारा, जो प्राइवेट कंपनियां उनके द्वारा हमारे खेतों में हमारी धरती माँ के सीने पे लगाए जा रहे हैं, जिनके लगाने से हमारी जमीन की वैल्यू 90% खत्म हो जाएगी। उसको कोई मोल भी नहीं लेगा, ना उसमें कोई भी व्यवसाय उसमें खेत में हमारे हो पाएगा। देखिए, हम जमीन हमारी माता है, हम ये सोचते हैं कि जमीन को चलो बेच के आगे कोई अगर ज्यादा पैसे मिलते हैं तो कुछ और कारोबार कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से किसान हैं जिसमें आधा आधा एकड़ किसानों के पास जमीन है और उनमें टावर लगा दिए गए हैं, तो वो किसान कहाँ जाए, कैसे गुजारा करेगा परिवार का। उसके लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि ये टावर लगने से हमारा सारा जमीन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, प्राइवेट कंपनियों के हवाले, प्रशासन और सरकार बिना कुछ दिए, यानी नाम मात्र मुआवजा इतना कह लीजिए कि जो फसल है उसका उजाड़ा देके हमारी जमीन में ये टावर लगा रहे हैं। मैं तो डीसी साहब से मांग कर रहा था कि जैसे आप कलेक्ट्रेट के अनुसार हमारा मुआवजा दे रहे हैं, हमें भी डीसी ऑफिस में एक जगह दे दीजिए, यहाँ अपना ऑफिस बनाएंगे हम भी बैठने का। डीसी साहब से मैंने मांग करी थी, क्या दे सकते हैं? हम नहीं दे सकते, लेकिन किसान की जमीन जहां पे मर्जी टावर लगा लें, जहां पे मर्जी उसको एक्वायर कर लें, कोई सुनने वाला नहीं है सरकार में। और मुझे तो ऐसा लगता है कि हम जो आगे किसान आगू थे, जो हम दिल्ली में एक साल लड़के आए, हम मेरे साथ तो जाति हो रही है कि मेरे दो लाइनें नेशनल हाईवे पे लगी थी और दोनों में से ही ये टावर की लाइनें जानबूझ के शायद सरकार द्वारा निकाली जा रही हैं ताकि किसान को इसको लूटा जाए और मेरी आवाज को दबाया जाए। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि मेरी आवाज बिल्कुल नहीं दबेगी, चाहे मुझे उस टावर के ऊपर चढ़कर फांसी लेनी पड़े, मैं वहां काम नहीं लगने दूंगा जब तक इन सभी किसानों को मुआवजा नहीं दिया जाएगा। देश दुनिया दी ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत, ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। YouTube दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल YouTube चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं, अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल, तुहाडी अपनी आवाज, पंजाब दी आवाज अजीत।